हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज आए हुए हैं दानापुर गंगा जी घूमने। आपको गंगा जी दिखाते हैं। छः सौ इकतालीस सामने पूल है। देख सकते हैं यहाँ पे खेती भी होता है। अभी हम गुरुद्वारा हांडी साहब से जस्ट हम गंगा जी पार करके आए हैं, जबकि वहाँ पे का बाल पानी सूखा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे बालू पार किए यहाँ पे पूरा खेती हो रहा है। यहाँ पे मिट्टी है, फिर इसके आगे गए तो आपको दिखाएं कि पानी था। देख सकते हैं वो जो सामने है वो गुरुद्वारा है। हम जस्ट वहीं से आ रहे हैं पैदल चलकर। वहाँ का पानी सूखा हुआ है, इसी रास्ते से आए थे और इसी रास्ते से जाते हैं। अभी टाइम 7:15 हो रहा है, सुबह का टाइम है। यहाँ का मिट्टी देख सकते हैं, बालू मिट्टी दोनों मिक्स है। देखिए बच्चे खेल रहे हैं। देखिए आपको बालू दिखाते हैं। यहाँ देखिए थोड़े पहले मिट्टी था, अभी बालू है। देखिए बालू ही बालू। देख सकते हैं यहाँ पे कितना जंगली पौधा है। देखिए कितना बालू ही बालू है, खाली बालू है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ा वीडियो बनाते हैं। देखिए ये रास्ता गया हुआ है जस्ट सामने गंगा जी के पास, जो हांडी साहब गुरुद्वारे के पास निकल जाएंगे, लेकिन हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे, इधर से जाएंगे। ये देखिए ये देखिए रास्ता किस तरह से गया हुआ है। इस रास्ता से आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। चलते चलते बहुत थक गए, बहुत दूर चल गए थे। ये देखिए फ्रेंड्स,
आ चुके हैं गुरुद्वारा हंडी साहब जी के पास, क्योंकि सामने जस्ट गंगा जी है। यहाँ का पानी देख सकते हैं कितना सूखा हुआ है। जैसे हम इसको अपोजिट साइड उधर सामने गए थे, उधर गंगा जी मुड़े हुए हैं, वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था, देख सकते हैं। यहाँ पे पीछे गुरुद्वारा है हंडी साहब का, देखिए देखिए गंगा जी का पीछे पानी सूखा हुआ है। अगर जस्ट इसके पीछे जाइएगा, ये खेत पार करिएगा, तो आपको गंगा जी दिखेंगे, जो कि यही गंगा जी मुड़े हुए हैं। और आप सोचिएगा कि पैडल गंगा जी पार कर जाएं, लेकिन इम्पॉसिबल है। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं ये रास्ता है आगे जाने के लिए बनाया हुआ है, बोरी रखो। ये देखिए बालू ही बालू, सामने गुरुद्वारा, बालू पे चलना मुश्किल हो रहा है। जस्ट पीछे से आ रहे हैं, देखिए जस्ट पीछे से आ रहे हैं, इसी रास्ते से आए हैं, अब यहाँ से जा रहे हैं घर। मेरे पीछे गुरुद्वारा है,